सिवान से बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात पूर्व वार्ड पार्षद के भतीजे को अपराधियों ने गोली मार कर की हत्या। लोगों ने बताया कि नगर थाना के इलाके के दखिन टोला मोहल्ला निवासी मुन्ना तिवारी पुत्र 25 वर्षीय मृतक मुकुल तिवारी एक शादी समारोह से अपने बड़े भाई के साथ घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने बाइक छीनने के क्रम में गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया। सिवान सदर अस्पताल मौजूद लोगों ने कहा कि आए दिन ऐसी घटना सिवान में हो रही है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे सिवान में आम जनता के बीच डर का माहौल बना हुआ है। सिवान में चोरी छिनतई लूटपाट मर्डर जैसे खतरनाक काम आम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन वही मैं आपको बता दूं कि इस पर प्रशासन की कोई नजर नहीं आ रही है। लोगों के बीच सदमे डर का माहौल कायम। सिवान में आए दिन ऐसे घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। कहीं गोली से मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं तो कहीं गोली से हमला किया जा रहा है, कहीं बाइक छीने जा रहे हैं तो कहीं बैंक लूट लिए जा रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधियां सिवान में आए दिन होती नजर आ रही है। यानी कथित तौर पर ये कहा जाए तो सिवान में अपराध चरम सीमा पर है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया, सिवान सदर अस्पताल मौजूद लोगों ने कहा कि यह जो घटना हुई है काफ़ी दयनीय घटना हुई है। हालांकि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, आए दिन इस प्रकार की गतिविधियां को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन भी मौन और यहां के जो प्रतिनिधि हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो भी मौन है।